जी दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिल्ड स्किल कंपनी का कॉर्डलेस स्क्रू ड्राइवर, या आप इसे बोल सकते हो कॉर्डलेस ड्रिल मशीन। तो दोस्तों, आज मैं आपको जिस टूल्स का अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ वो आपको घर में काफी यूजफुल रहने वाली चीज है, और कोई टेक्नीशियन हो तो उसके लिए भी बहुत ही यूजफुल रहने वाली चीज है, और इसमें आप इसे बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा इसका अनबॉक्सिंग, इसकी प्राइस के बारे में भी बताऊंगा, और ये कहां से परचेस करना है और मैंने कहां से परचेस किया है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं कि अच्छा बॉक्स पैकिंग है, और इसके ऊपर भी एक अलग से बॉक्स आया था जो मैंने चेक करने के लिए उसको ओपन कर लिया है। तो इसके उस बॉक्स के अंदर से जो बॉक्स निकला है, कंपनी का बॉक्स, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। ये बिल्ड स्किल कंपनी का रजिस्टर्ड कंपनी है, उसका बॉक्स है, और आप देख सकते हो काफी बढ़िया फिटिंग है, और दोनों साइड बिल्ड स्किल कंपनी का नाम लिखा हुआ है, और इससे मैं भी आपको दिखाऊंगा अनबॉक्सिंग करके। मैं आपको ये अनबॉक्स करके दिखा रहा हूं, और सबसे पहले मैं इसमें से निकालूंगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन है, और इसके अंदर एक्सटर्नल बैटरी आती है, वो हमें यहाँ कनेक्ट करनी पड़ेगी। वो आप निकाल भी सकते हो, डाल भी सकते हो बैटरी, जब आपको चार्ज करना हो तो आपको इसमें से निकालनी पड़ेगी, और चार्ज करने के बाद इसके अंदर डाल के आप इसको यूज कर सकते हो। पहले सबसे पहले आप इसका लुकिंग देखो, बहुत ही स्मार्ट लुकिंग है, जैसे कोई रिवॉल्वर हो, बहुत स्मार्ट रिवॉल्वर हो ऐसा है। ये ट्रिगर है इसका यूज करने के लिए, ये ट्रिगर है, जैसे कोई रिवॉल्वर में ट्रिगर होता है वैसे ही ट्रिगर है इसका, और ये उसका जो आगे वाला घूमने वाला होता है मुंह वो है, और इसमें अल्टरनेट करने की स्विच है, जैसे कि आपको इसको क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो इसके लिए इस स्विच का यूज होता है। जैसे ये स्विच दोनों साइड दिया हुआ है, इसको आपको पुश करना है, तो वन साइड पुश करने पर ये क्लॉकवाइज घूमेगा, और दूसरी साइड पुश करने पर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और इसको बीच में रखने से ये लॉक हो जाएगा। और इसकी जो घूमने आर्मेचर की स्पीड, जो घूमने की स्पीड होती है, ये यहां से डिसाइड होती है 1-2, तो ये हाई स्पीड भी हो सकता है और ये नॉर्मल स्पीड भी हो सकती है, और काफी अच्छा लुक है। और अभी मैं आपको इसके बॉक्स में से जो दूसरी चीज निकलती है वो आपको मैं दिखाऊंगा, तो हम इसे साइड पर रखेंगे। अभी हमने इसके अंदर से निकाला हुआ है, ये बैटरी है जो 12 वोल्ट की लिथियम बैटरी है, और काफी बढ़िया है, और इसका ये चार्जिंग पॉइंट है जो हम आपको भी दिखाएंगे इस पॉइंट का कैसे यूज होता है। और ये प्लस आप देख सकते हो, ये प्लस है और ये माइनस, तो ये बैटरी को ऐसे इसको कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्ट हो गई, और कनेक्ट करने के बाद ये अभी मैंने लॉक किया हुआ है इसलिए नहीं घूम रहा है। अभी आपको मैं ये देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम, ये सॉरी आप देख सकते हो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, और अभी मैं नीचे से स्विच प्रेस कर रहा हूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और आप मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, इसके अंदर टॉर्च भी रहती है, आप देख सकते हो ये टॉर्च है, तो अगर आपको अंधेरे में भी काम करना हो तो आप इससे काम कर सकते हो। ऐसे पकड़ के आपको जो भी डालना है यहां पर डाल के आप इसे नॉर्मल प्रेस कीजिए, तो ये जो भी आप स्क्रू ड्राइवर, जो भी पाना, जो भी आप डालोगे यहाँ वो टाइट हो जाएगा, और उसके बाद आप उसको यूज में ले सकते हो। और उसको निकालने के लिए भी आपको ये स्विच प्रेस करना है और इसको नॉर्मल पकड़ना है, पर ये देख सकते हो आप ये ओपन हो जाएगा, इसमें से आप इसको निकाल पाओगे।
तो अभी हम आपको दिखाएंगे इसके चार्जर के बारे में। इसके अंदर ये चार्जर साथ में आएगा, आप देख सकते हो, मैं आपको पास से दिखाऊंगा, आप देख सकते हो इसके अंदर ये चार्जर आएगा जिसकी 12 वोल्ट की सप्लाई रहती है चार्जिंग की, और इसे चार्जिंग बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें इस चार्जर का यूज करना पड़ेगा। इसका नाम है AC-DC एडेप्टर। प्लग को आपको अपने घर के या ऑफिस के जो भी मेन बोर्ड होता है उसके अंदर आपको फिक्स करना है, और ये वाला हिस्सा चार्जिंग पिन में कनेक्ट करना है। वाला हिस्सा हमारे घर के या ऑफिस के पावर प्लग में चला जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट है चार्जिंग पिन में चला जाएगा, और उसके बाद आपको बैटरी चार्ज करना है। और इसका बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है, शानदार है, मैंने इसको ऑलरेडी यूज किया है और मैंने ये दूसरा मंगाया हुआ पहले से ही इस कंपनी का ये टूल्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। काफी शानदार रिजल्ट है, काफी बढ़िया रिजल्ट है। आपका पैसा वसूल होने की 200% गारंटी है मेरी, आपको इससे कुछ लॉस नहीं होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। तो ये था चार्जर, इसको कनेक्ट कर लेंगे। ये कनेक्ट कर लिया है, ये ऑन हो गया है, और अभी इसके अंदर से दूसरी क्या क्या चीज निकलती है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो, एक पॉलिथीन इसके अंदर से निकली है, और इसके अंदर बहुत सारे ड्रिल छेद करने के टूल्स है, और इसमें लकड़ी में और दीवार में भी छेद करने वाले, हमारे भाषा में हम इसके पाना बोलते हैं, तो बहुत सारे टूल्स है इसके अंदर, आप देख सकते हो। और इससे आप लकड़ी में छेद कर सकते हो, दीवार में भी छेद कर सकते हो, लेकिन ऐसी दीवार में छेद कर सकते हो जिसमें नॉर्मल मतलब मजबूत दीवार नहीं हो, जिसमें पिलर्स में आप छेद नहीं कर सकते हो, और नॉर्मल दीवार में छेद करने के लिए भी आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअली दीवार के छेद के लिए ये मशीन नहीं है। सबसे अहम बात, मैंने इस टूल्स को इसके लिए मंगाया है क्योंकि मेरा काम है LCD LED टीवी रिपेयर का, और उस LCD LED टीवी के स्क्रू ओपन या फिक्स करने के लिए मैंने इस टूल्स को मंगाया है, क्योंकि हम पेचकस से जब स्क्रू खोलते हैं तो बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि आजकल LCD LED में कम से कम 20-30 स्क्रू मिनिमम आते हैं LCD LED टीवी में, और उससे थोड़ा टाइम लगता है, तो इस मशीन से वो फटाफट खुल जाता है। और कभी कभी कंपनी का जो LCD LED होता है वो जो स्क्रू होता है वो मशीन से फिक्स होता है, जिससे हमारे पेचकस से जल्दी खोलते नहीं है, और ज्यादा प्रेस करने पर उस स्क्रू का मुंह बिगड़ जाता है, और वो बाद में हमको बहुत मेहनत से निकालना पड़ता है। तो इस टूल से वो हमारे स्क्रू फटाफट ओपन हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो इसलिए मैंने टूल्स मंगाया है। तो इसके साथ जो नहीं आता है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ टूल्स। इसके साथ में ये जो है 5 आप देख सकते हो स्क्रू ड्राइवर, अलग अलग मुंह वाले हैं, आप देख सकते हो अलग अलग मुंह वाले हैं, प्लस माइनस अलग अलग मुंह वाले हैं। ये हमने मार्केट से परचेस किया हुआ है, एक्चुअली ये स्क्रू ड्राइवर सेट है, इसके साथ में इसमें फिक्स करने वाला डंडा भी आता है, लेकिन मैं वो आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। तो मैंने ये 100 रुपीज के स्क्रू ड्राइवर लिए हुए हैं, जो ये स्क्रू ड्राइवर इसके अंदर नहीं आते हैं, लेकिन मुझे यूज करने के लिए जरूरी है ये स्क्रू ड्राइवर, क्योंकि मेरा मेन पर्पस इस स्क्रू ड्राइवर को घुमाना है। तो ये आप देख सकते हो 5, तो इसको भी कैसे फिक्स करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लास्ट में निकलती है ये बुक, कॉर्डलेस स्क्रू ड्राइवर, और आप इसे कॉर्डलेस ड्रिल मशीन भी बोल सकते हो। इसका मॉडल नंबर है BDLI12K2। जैसे फिक्स करना है पाना, ये चार्जर, ये मशीन, ये ट्रिगर, ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमाने वाला स्विच, और ये जहां पर आप जो भी स्क्रू ड्राइवर या पाना यूज करोगे वो यहाँ फिक्स होगा। ये बैटरी का बताया हुआ है, और ये घुमाने फिक्स करने के लिए कैसे आप करते हो बताया हुआ है, तो पूरा आपको डिटेल्स दिया हुआ है ये बुक में, तो आप इस बुक के जरिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। और अभी मैं आपको इसका यूज दिखाऊंगा कैसे इसको यूज करते हैं। पहले मैं आपको कोई भी एक ड्रिल मशीन का
ये जो पाना है ये फाइल से ये आपको मैं दिखाऊंगा, तो ये मैं ले लेता हूं और आप देखिए हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। आप देख सकते हो हमने इसके इसको अंदर डाल दिया है और अभी हम इसको नॉर्मल प्रेस करेंगे और इसको हम पकड़, ये जो है ऊपर वाला ब्लैक पॉइंट उसको हम पकड़ेंगे, आप देख सकते हो, और जैसे ही ये फिक्स होने को आए हम इसको पकड़ लेंगे और नीचे से भी पकड़ के रखेंगे। आप देख सकते हो ये टाइट हो गया है, ये फुल टाइट हो गया है, और इसको आप अभी आप चाहो तो इसे ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और आप ये यहाँ आप यहां से इसको प्रेस करोगे इस साइड से तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। आप देख सकते हो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और मैं यहां से प्रेस करूंगा तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। इसको एक नंबर की स्पीड पे रख के आपको दिखा रहा हूं, इससे थोड़ी स्पीड कम आएगी। और अभी दो नंबर पे देखिए, आप यहां दो नंबर लिखा हुआ है तो मैं आपको आप देख सकते हैं यहां दो नंबर लिखा हुआ है, अभी मैं दो नंबर पे दिखा रहा हूं आपको स्पीड का फर्क आ जाएगा एक नंबर से दो नंबर पे लेने पर, आप देख सकते हो। और अभी मैं जिस चीज के लिए यूज कर रहा हूं वो आपको दिखाऊंगा, इस फाइल को इस पाने को कैसे निकालते हैं वो दिखाऊंगा मैं आपको। इसको आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है और नॉर्मल उसके ऊपर वाला जो ब्लैक पॉइंट है उसको पकड़ लेना है और ऐसे धीरे 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 नॉर्मल करना, अगर तेज करोगे तो ये पाना उड़ सकता है और ये जो धारदार होता है वो कहीं पर लग जाता है, लग जाने की संभावना रहती है। इसके लिए आप इसको धीरे धीरे निकालिएगा और इसको मैं वापस इस पॉलिथीन में डाल दूंगा। मेन पर्पस है इस वाले स्क्रू ड्राइवर से हम इसको यूज करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी मैं आपको इसको अंदर रख के दिखाने के लिए इसको क्लॉकवाइज घुमाना है इस पाने को और इसको फिक्स करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो अभी हम आपको इसको एक बार निकाल के दिखाएंगे वापिस, आप देखिए इसको हम आपको निकाल के दिखाएंगे। ये हमने क्लॉकवाइज घुमाया तो ये निकल गया और अभी इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये फिक्स हो जाएगा और इस पॉइंट को हम पकड़ लेंगे। जैसे ये फिक्स होने को आएगा हम लोग उसको दोनों को पकड़ लेंगे। ये अभी हमारा फिक्स हो गया, आप देख सकते हो ये हमारा फिक्स हो गया और ये अभी वर्किंग में आ गया है। पे कैसे यूज करना है वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। आप देखिए मच्छर मारने वाला रैकेट है, अभी उसके स्क्रू कैसे खोलते हैं इस मशीन से वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिएगा हमने इसको इसमें लगा दिया है और ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने पर ये फिक्स हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर ये स्क्रू निकल जाएगा। मैं अभी आपको निकाल के दिखा रहा हूं, आप साफ देख सकते हो ये हमारा स्क्रू निकल गया है, बहुत ही आसानी से निकल गया है आप देख सकते हो। और अभी इसी स्क्रू को मैं आपको फिक्स करके दिखाऊंगा और जो जहां से मैंने स्क्रू निकाला है वो हिस्सा भी आप देख सकते हो ये, और यहीं पर हम इस स्क्रू को वापस फिक्स कर लेंगे। और फिक्स करने के लिए इसको क्लॉकवाइज हमको घुमाना पड़ेगा, आप देखिए पहले हमने जगह फिक्स कर ली है और अभी से हम देखिए ये क्लॉकवाइज, देखिए आप देख सकते हो ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए नहीं फिक्स हो रहा है। और अभी इसको हम इस स्विच को प्रेस करेंगे और क्लॉकवाइज करेंगे और आप देख सकते हो ये फिक्स हो गया है और ये फुल टाइट हो गया है। मैं आपको दिखाऊंगा ये फुल टाइट हो गया है। तो ऐसे ही आप कोई स्क्रू निकालना हो, कोई स्क्रू डालना हो, कहीं नॉर्मल छेद करना हो तो इस टूल्स का आप यूज कर सकते हो। काफी अच्छा टूल्स है ये और इसका बैटरी बैकअप भी बहुत ही बढ़िया है। तो मैंने तो इसको मंगाया है फ्लिपकार्ट से और आप भी ऑनलाइन कहीं से मंगा सकते हो, इसका रेट देख के मैंने इसको मंगाया है ओनली 1100 में 1100 रुपये में मंगाया है। और अगर आपको चाहिए ये रेट में
तो आप मुझे बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं अभी आपको ये रेट में दे दूंगा। ओनली जो डिलीवरी चार्जेस होगा वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। 6 महीने की वारंटी आती है। और एक चीज बताना चाहूंगा मैं, ये 1500 रुपये में 2 बैटरी के साथ मिलता है। मैंने ओनली एक ही बैटरी के साथ मंगाया हुआ है कि बैटरी बैकअप इतना बढ़िया है कि 2 बैटरी की जरूरत पड़ती ही नहीं है। हाँ, ज्यादा काम हो, पूरा दिन असेंबलिंग करना हो, उनके लिए इसमें 2 बैटरी की जरूरत रहती है। बाकी जिसको नॉर्मल काम हो तो जरूरत नहीं है, घर के लिए तो एक ही बैटरी वाला मंगाइए, क्योंकि पड़ी पड़ी बैटरी भी खराब हो जाती है, क्योंकि ओनली वारंटी 6 महीने की आती है, ज्यादा नहीं आती है। और ऑनलाइन शॉपिंग करने पे इसका 7 डेज का रिप्लेसमेंट वारंटी भी रहती है। अगर आपको अगर ये चीज पसंद नहीं आती है तो आप 7 दिन में इसको वापस कर सकते हो और आपको पैसा रिफंड मिल जाता है। लेकिन मुझे लगता नहीं है, जिस आदमी को इस चीज की जरूरत होती है तो वो ये रिफंड नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया और शानदार प्रोडक्ट है। तो आप भी इसको यूज कीजिए, इसकी हेल्प से अपने वर्क में बहुत ही प्रोग्रेस कीजिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर, आप शेयर कीजिए जितना हो उतना, क्योंकि किसी को ऐसे कोई टूल्स की जरूरत हो और उसको ऐसे कोई टूल्स के बारे में नॉलेज नहीं हो तो उसे नॉलेज मिल जाए, ऐसा टूल्स परचेस कर ले और उसके काम में प्रोग्रेस करें।